साईं बाबा को कौन नहीं जानता, एक छोटा सा बालक जो पता नहीं कहाँ से आया था और आके शिरडी के गांव में रुक गया, और उसने जो चमत्कार किए हैं उन चमत्कारों के बल पे वो तो एक महान संत बने ही, साथ ही साथ शिरडी भी जो है वो एक पवित्र धाम बन गया। तो ये है शिरडी का साईं आश्रम, साईं भक्ति निवास और साईं आश्रम, ये दोनों पास पास में ही हैं, जहाँ निशुल्क रहने की व्यवस्था है और जो रूम बने हुए हैं अगर आप उनकी ऑनलाइन बुकिंग करते हैं तो वो आपको 200 से 250 रुपए में आपको मिल जाता है, लेकिन ऑनलाइन वालों को जल्दी रूम मिल जाते हैं, और जो बाकी लोग होते हैं जो पहले मतलब बाद में आते हैं तो उनका जो वेटिंग में रहता है अगर उनका नंबर आ जाता है तो उनको भी रूम मिल जाता है। तो अंदर तो मोबाइल ले जाना मना रहता है, ये बाहर का ही सीन है, ये है द्वारका माई, और जो आसपास छोटी छोटी थोड़ा से वैसे मार्केट जैसा बना हुआ है जहाँ पे उनकी मूर्तियाँ और पूजा का सामान वगैरह मिलते हैं, और यहाँ पे आपको जो भी चीज़ें चाहिए वो आपको यहाँ पे मिल जाएंगी। तो बहुत ही अच्छी रहने की व्यवस्था है, पानी की सब चीज़ें निःशुल्क है, यहाँ पर जो खाना है वो भी आपको प्रसादालय में फ्री में मिलता है। तो आप चाहें तो ये शिरडी के मंदिर से थोड़ी दूर पे ही है प्रसादालय, ऐसे चार हैं जहाँ पे निशुल्क खाने की व्यवस्था है। तो ये ट्रस्ट की तरफ से होता है, तो जो लोग बड़े बड़े लोग जो दान करते हैं तो उनकी तरफ से ये खाना फ्री में रहता है, हजारों लोग एक साथ बैठ के भोजन करते हैं और भोजन भी बहुत ही अच्छा होता है, रोटी दाल सब्जी दो सब्जी और मीठा हलवा या मीठी सेवाएँ जो भी होती हैं वो देते हैं, और खाने की व्यवस्था बहुत ही अच्छी है। और ये खाना सुबह 10 बजे से लेकर रात को 10 बजे तक लगातार चालू रहता है, और परसने की व्यवस्था भी बहुत अच्छी है, एकदम साफ़ सुथरा माहौल है, आप देख सकते हैं इतना बड़ा हॉल है ये, और यहाँ पे ये टेबल बिछी हुई हैं, खाने की थाली हैं, और परसने वाले भी इस तरह से आप परसते जाते हैं, आप देख सकते हैं लाइन से, और बिल्कुल भी गंदगी नहीं रहती है, एक बार खाना खाने के बाद तुरंत ही सफाई हो जाती है और फिर दूसरी जो है वो लोग आके खाना खाते हैं। तो इस तरह से खाना यहाँ पे बहुत अच्छा मिलता है, और ये जो मंदिर है उसके आसपास दुकानें हैं जहाँ साईं बाबा की मूर्ति वगैरह सभी चीज़ें मिलती हैं, आप यहाँ से ले सकते हैं। कहने का मतलब ये है कि जितना भी आप मतलब जितना अच्छा यहाँ पे लगता है उतना मुझे तो कहीं पे भी नहीं अच्छा लगा, और शिरडी के पवित्र स्थान पे आके मन को बहुत ही ज़्यादा शांति मिलती है, और हर चीज़ यहाँ पे बहुत अच्छी है, किशमिश बहुत सस्ती मिलती है क्योंकि यहाँ आसपास अंगूर की खेती होती है, तो आपको 80 रुपए का पैकेट 1 किलो का किशमिश का मिल जाएगा। और यही साईं बाबा की मूर्ति है जो हाथ से खिचड़ी बना रहे हैं, इस तरह की मूर्ति यहाँ बहुत सारे लोग फ़ोटो खिंचाते हैं, तो बहुत अच्छा लगता है। अगर कभी भी आप आओ तो आप रूम के लिए ऑनलाइन बुकिंग करवा सकते हो, तो आपको रूम मिल जाएगा और आप आराम से आप यहाँ पे रह सकते हो और दर्शन कर सकते हो, बहुत अच्छा लगता है। और सबसे सस्ती जगह है यहाँ पे, बिल्कुल भी खर्चा नहीं है क्योंकि खाने का भी खर्चा ज़्यादा नहीं है, और अगर आप होटल में भी रूम लेना चाहो तो 500 से 800 रुपए में आपको होटल में भी रूम मिल जाएगा आराम से। और आप एजेंट लोगों से सावधान रहें क्योंकि ये लोग आपको सिर्फ ठगेंगे, तो इन लोगों से आपको दूर रहना है। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक और शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें।